बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 6, समुद्र तटा। पाठ की एक एक शब्द की हिंदी और साथ में पूरे पैराग्राफ की भी हिंदी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस चैप्टर में बच्चों ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस पाठ में ज़्यादातर जो शब्द यूज़ हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया, उसमें तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का ज़्यादा प्रयोग है। आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो इसमें तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप ज़्यादा आए हैं। रामा रामम रामेन तृतीय विभक्ति, रामाय चतुर्थी विभक्ति, ऐसे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जैसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? के द्वारा, से जो सहायता करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? के लिए शब्दों के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल तरंगे, कंदुकेन तृतीय विभक्ति है इसमें। लहरों से, गेंद से सहायता कर रहे हैं ना वो खेलने में। पर्यटनाएं घूमने के लिए चतुर्थी विभक्ति है बच्चों। यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ना विदेशी लोग, तो यहाँ पे है। इस शुरू करते हैं। एशा मीन्स यह समुद्र, तटा मीन्स समुद्र का किनारा, यह समुद्र तट है। किनारा भी कहते हैं, तट भी कहते हैं। किनारा अर्थ बताने के लिए तट इसलिए कहते हैं कि जो स्टोरी लिखी जाती है उसमें किनारा शब्द अच्छा नहीं लगता, तो तट भी लिख सकते हैं आप। आंसर दोनों राइट हैं। अत्र मीस यहाँ, जना मीस लोग, पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति आ गई बच्चों, घूमने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं, गच्छति मीन्स जाते हैं, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, चतुर्थी विभक्ति आ गई। केचन कुछ, तरंगे तरंगों से तृतीय विभक्ति आ गई। क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन कुछ, चामिस और, नौका भी नाव से। जल विहारम, विहारम का मतलब है घूमते, जल में घूमते, लेकिन अर्थ लिखते समय हम लिखेंगे जल विहार। गुरुवंति मीन्स करते हैं, और कुछ नाव द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से तृतीय विभक्ति आ गई बच्चों। क्रीड्यन्ति खेलते हैं, वर्तमान काल के रूप चल रहे हैं इसमें। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका लड़कियां, बालकाः लड़के, चा और, चा लिखा बाद में जाता है, बोला बीच में जाता है। लड़कियां और लड़के, जबकि लिखा जाता है बालिका और बालिका, बालकाः चा। बालुका भी रेत से तृतीय विभक्ति आ गई। बालुका ग्रहम रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से रेत के घर बनाते हैं। मदे मदे बीच बीच में, तरंगा लहरे, बालुका ग्रहम रेत का घर, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है। बीच बीच में लहरे रेत का घर बहा ले जाती है। एशा यह कीड़ा खेल प्रचलति, एव चलता, एव मीन्स ही चलता ही रहता है, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा, समुद्र तट नामिस नहीं, केवलम मिस केवल, पर्यटन स्थानी, पर्यटन स्थानी मतलब घूमने का स्थान है। समुद्र तट ना केवल घूमने का स्थान है। अत्रा यहाँ पर, मत्स्य जीवान ना मछुआरे अपि भी, स्वाजीविकम अपनी आजीविका, चालयन्ति चलाते हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। पूरे पैराग्राफ की हिंदी देखिए। यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं, कुछ नाव द्वारा जल विहार करते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका और बालक यानी लड़के रेत से रेत का घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। यह खेल चलता रहता है। समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। इस तरह आपका एक पैराग्राफ पूरा हुआ। बाकी दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को देखने के लिए आप अगली वीडियो देखिए।